ताकि ये ना इसको ऐसे रख लेंगे, इसको ऐसे रख सीट खोलेंगे और ऐसे सीट आ जाएगी ताकि बैठ भी सके। एक बार फिर से स्वागत है चाइल्ड एक्सप्लोर में। और आज मैं आया हूँ जी अपनी, जैसे पता ही है जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी कि हमने म्यूजिक सिस्टम सेल आउट कर दिया था और अभी लगवाना है डिसेंट सा सबवूफर। ऑलरेडी कंपोनेंट और ये तो चल ही रहे हैं, फोकले कंपोनेंट लगे हुए हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लें। आज मैं आया हूँ महेंद्र भाई के पास, यहाँ चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में ही हैं। तो बॉक्स बनवाना है, मैं चाह रहा हूँ कि सीट के नीचे ऐसा बॉक्स फिट हो जाए जो 12 इंच का अपना, जो मैं लगवा रहा हूँ 12x D4 पियोनियर का चैंपियन सीरीज 500 RMS का है। और वो चलो मैं फिट करते हुए दिखाऊंगा आपको, फिलहाल मैं बॉक्स का आइडिया दे रहा हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, एक भी वीडियो में या किसी ने भी नहीं बताया कि इसकी सीट के नीचे फिक्स हो सकता है क्या। अभी इनसे पूछेंगे होगा कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जगह भी ना अपनी ख़राब हो, अपना जो बूट स्पेस है वो भी बरकरार रहे और सब ऑफर भी लग जाए। और मैं चाह रहा हूँ इस सीट के नीचे ही लग जाए या फिर इसमें से, मतलब दोनों में से किसी। तो क्या बनता है वो भी देखते हैं, आप लोगों को अपडेट देता हूँ मैं, और जब फिटिंग होगी वो भी सारी दिखाऊंगा। तो जी ये बॉक्स हुआ है तैयार अपना, इसका बताऊंगा खास बात क्या है, इसके एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़े अपने। लो जी टाइम आ गया है कि जिस बंदे ने एक बार बूफर सुन ली हो ना उसका मुश्किल ही रहता है, क्यों डीपी भाई? बिल्कुल जी। तो आज फिर डीपी भाई के पास हैं अब, और ये एम्पलीफायर लगेगा, मोनो क्लास डी है। और ये आप ना बलिवंती देख चुके हैं पहले भी, परख चुके हैं, यूज भी कर लिया है, क्योंकि अपनी जो ब्रेजा थी उसके अंदर यही था। और बहुत ही रिलायबल एम्पलीफायर है भाई, बहुत ही रिलायबल। 2 ओम पे 608 RMS देता है ये, आपको इसे कॉन्फ़िगरेशन दिया था। और आज से ये कब लिया था, 2018 में अपने परचेज़ किया था, और 4 साल बाद फिर से ये लगाने का मौका मिल रहा है अपनी गाड़ी में। और वैसे मैं इस एम्पलीफायर का फ़ैन था तो मुझे ये चाहिए था। खोल के और दिखाता हूँ फ्रेंड्स। हाँ एक चीज़ और बताऊँ, ये मतलब 2 ओम पे स्टेबल है, 1 ओम पे नहीं है। वैसे 1100 वाट RMS मैक्सिमम लिखा है इसका, जैसे कि बॉक्स पे सामने दिख जाएगा आपको। ये यहाँ पर देखो 1100 वाट लिखा ना, तो 1100 वाट पे नहीं है ये, मतलब 1 ओम पे नहीं है, 2 ओम पे ही स्टेबल है। वैसे 4 ओम पे 330 वाट है और 2 ओम पे 600 वाट RMS देगा ये। इस एम्पलीफायर की एक और खास बात है, ये 2 साल की वारंटी के साथ आता है। वैसे US एंड कनाडा में 3 ईयर लिखा है, इंडिया में 2 साल की वारंटी मिलती है इसकी आपको। देखो फ्रेंड्स ये इसकी है स्पेसिफिकेशन, ये मैक्सिमम पे मत जाना आप सिर्फ जो नीचे है ना ये वाली देखो, 600 वाट RMS है 2 ओम पे, तो ये कंटिन्यूस पावर देगा 2 ओम पे। और 330 वाट है 4 ओम पे, यानी कि अगर सिंगल कोयल का सब ऑफर चलाएंगे तो 330 वाट देगा। और अगर डुअल वॉइस कोयल को पैरेलल में जोड़ के 12x D4 चलाएंगे तो 600 वाट RMS का पावर ये देगा। तो वैसे 600 लिखी है तो अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि 500 एक तो देगा ही, वो 500 का ये है, तो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट एम्पलीफायर है इस सब ऑफर के लिए, इसको अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे बजाएगा ये। रेट की बात तो अब फाइनल वैसे डीपी भाई से पूछेंगे, लेकिन जब मैंने पहले लिया था तब तो 12-13 हज़ार रुपये इसका वो था प्रिंट रेट था, और अभी इसका प्रिंट है 20 हज़ार के आसपास। एक मिनट दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर अभी प्रिंट इसका 19,990 है, और ये इसकी पावर भी लिखी हुई है। तो अभी काफ़ी रेट बढ़ गया है, देखते हैं लास्ट में कितने रुपए का अपने को मिला ये मैं बताऊंगा आपको। और इसका कितना है, और इसका है लगभग 9,000 रुपये 8,990 है, तो आफ्टर डिस्काउंट मिलेगा। वैसे ये इतना प्राइस नहीं रहेगा, थोड़ा डिस्काउंट भी होगा इसके ऊपर। और डायमेंशन के साथ बॉक्स बनाया है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको जैसे मैं बता रहा था अपने को। और ये अपना अनबॉक्स हो गया है, ये है सब बूफर। इसकी मेरे को ये कोन ना सिंपल वाली जो 12-11 था उससे इसकी मेरे को ज़्यादा पसंद आई, कौन क्या एक्चुअली डस्ट कैप ही है इसकी। और पीछे से काफ़ी हैवी दिखता है, लेकिन ये मैं बता दूं प्लास्टिक का कवर है इसका, डिसेंट सबवूफर है। आउटपुट देखते हैं कैसी बनेगी, और मैं आपको अभी बताता हूँ बॉक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स ये एक बार हाँ रख देते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या थी अपनी सोच इसके पीछे। पता मैं कैसे सोच रहा था, मैं सोच रहा था ताकि ये है ना इसको ऐसे रख लेंगे, इसको ऐसे रख लेंगे, तो इस तरह से रखेंगे, सीट खोलेंगे
और ऐसी सीट आ जाएगी ताकि बैठ भी सके, लेकिन इसको ना देखो नीचे जगह ही नहीं बसती है, डैमेज हो जाता अपना सब ऊपर है ना। मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत कोशिश की, वीडियो भी देखी, एक भी वीडियो में ऐसा नहीं बताया गया। तो लेकिन फ्रेंड्स अभी आप जानकारी ले लो कि भाई इस तरह से सेटअप हो नहीं पाएगा, क्योंकि सब ऊपर भी थोड़ा सा अनकम्फर्ट भी रहेगी। देखो ऊंचाई ऐसी होगी ना बिल्कुल ही, अगर इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे तो बूफर की डेप्थ ज्यादा है और फिर ये डैमेज भी कर देगा, इधर देखो सब बूफर के ऊपर लग जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों सीटों के पीछे ये सेट हो जाएगा। करना है डीपी भाई दिखाना, ये देखिए ये इस तरह से बना, मैंने बहुत सारे वो देखे, अभी देखो थोड़ा सा टाइट रहेगा लेकिन देखो आ गया ना एकदम सेट। तो ये किया है, और एक और बताऊँ आपको, पहले ये है ना थोड़ा छोटा था, पहले इसकी जो आप पकड़ना स्क्रिप्टी भाई, इसकी जो ये आप टैपरिंग देख रहे हो ये यहाँ तक थी, 2 इंच कम थी, तो मैंने 2 इंच बढ़वाई है ताकि अपने सबवूफर का जो क्यूबिक फिट एरिया है उसके हिसाब से पूरा सेट हो जाए और अच्छे से आउटपुट मिले। तो फाइनली ये अपना बॉक्स तैयार हुआ है जो सीटों के पीछे रहेगा, आउटपुट सुनवाऊंगा लास्ट में, रेट भी बताऊँगा सारा। इसको कैसे पैरेलल में जोड़ रहे हो ना, वो 4 ओम का 2 ओम बन जाए, ये देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो इसका इधर प्लस में आ जाएगा माइनस, मतलब प्लस का प्लस में माइनस का माइनस में, तो पैरेलल में हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स एक वाइट वाली प्लस है और ब्लैक वाली माइनस है, तो यहाँ भी वाइट वाली प्लस है ब्लैक वाली माइनस है, तो इस तरह से पैरेलल में हो गया ये। ये यहाँ पर हो गया भाई सुराख, क्योंकि पीछे करने से शील्ड अपना ये बॉक्स शील्ड बनवाए हैं तो पीछे हवा निकलती, नीचे ठीक से टिकता नहीं, तो इसलिए साइड में सुराख। जब तक डीपी भाई वैक्यूम से इसको साफ करेंगे तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में क्या चल रहा है। गाड़ी में कुछ नहीं है, ये सीट उतर गई है, और यहाँ पर है ना फट्टा लगेगा, ये वाला फट्टा जो पड़ा है, जो फट्टा है यहाँ पर लग जाएगा। ये वायरिंग अपनी पहले हो रखी है, 0 गेज की है, बड़ी तकड़ी पावरफुल वायर है। ये रिमोट की आ गई, ये RCA आ गई, RCA बोलेंगे भाई को पावर से अलग रखें, पावर से अलग ही है वैसे ये। ओके आ गई, थैंक यू जी, थैंक यू, बेस्ट होगा वो होगा। ये जो वायर दिख रही है आपको ये सब बुफर की है। ये है जी एम्प जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, डीपी भाई से ही बताऊँ आपको, मैंने 2018 में अपनी गाड़ी में लगवाया था ये ब्रेजा में, और देखो कितना कॉम्पैक्ट साइज है ना, और देखो हाई लेवल इनपुट भी है, दो चलों को मतलब वो कर देंगे, ब्रिज कर देंगे, ब्रिज में 600 वाट RMS देगा जी। तो भाई कैसे फिट करेंगे एक बार देखते हैं, थोड़ी मुश्किल हो रही है डीपी भाई ना, क्योंकि वो पहले डैप बोन्स का था ना उसमें वो गिट्टी सी फिट होती थी, ये देखो उसमें ना सीधा ये क्लिप सी लगी हुई थी, लेकिन इसमें वायर निकालनी पड़ेगी, ये तो और इसमें सख्त करनी पड़ रही है भाई को। एक्चुअली पहले बहुत हैवी था सिस्टम, लेकिन अपने को प्लस पॉइंट मिलेगा ना, इसको पूरी 14 वोल्ट मिल जाएगी। ये देख रहे हो इसके ऊपर से ना ये कवर उतर जाता है ताकि सेटिंग गेन वगैरह सेट किया जा सके। इसका कवर कहाँ रख दिया, अच्छा इसका कवर ये कवर इसके ऊपर से उतरा है। ये चीज़ तो पहली बार पता लगी, अगर ये इसका पंच अंदर की तरफ है हाँ, तो क्या होगा, बेस का फर्क होता है, बेस ना बेस की तो कौन सा अंदर जाएगा तब, अच्छा बाहर की तरफ होना चाहिए तब वो प्लस माइनस का फर्क पड़ता है, वही है ना ये हाँ। अगर मतलब सही से लगे हैं तो बाहर की तरफ पंच आएगा, अगर गलत लगे तो अंदर की तरफ पंच आएगा। डीपी भाई मुझे इस एम्पलीफायर की यही बात पसंद है, अगर आप जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे ना, अभी तो मेरा मोबाइल ही कनेक्ट है फ्रेंड्स, मैं सुना देता आपको, अभी सेटिंग होगी है सारी कुछ, अभी फट्टे पे लगाएंगे भाई हाँ, मतलब जितनी आप वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो इसकी बेस कम नहीं रहेगी, मतलब बेस भी बढ़ती जाएगी, लेकिन जो अपने पहले थे ना जो उनकी क्या है कि 50% वॉल्यूम जाती है उतनी बेस तो जाती थी, फिर उसके बाद बंद हाँ, फिर बेस ही नहीं बढ़ती थी, लेकिन इसकी आप 100% भी जा रहे हो ना तो बढ़ती जा रही है लास्ट टाइम हाँ, सबसे करी हमने इसकी। बस मजा आ गया इसमें, चलो आप करते हो सेटअप, अभी बाद में दोस्तों आउटपुट सुनवाएंगे फिर रेट भी बताएंगे, और डीपी भाई के पास आ जाना भाई किसी को अगर अच्छा काम चाहिए तो।
ये बिना बुफर के चल रहा है फ्रेंड्स, ये बिना बुफर के सुन रहे थे आप अभी तक, और अभी बुफर भी कनेक्ट करेंगे। डीपी भाई बुफर कर दो कनेक्ट, दोस्तों को सुनवाते हैं। वैसे मैं आपको दिखाता भी हूँ, ऐसे सेटिंग से आप देख चुके हो, बहुत दिन से था, एकदम सारा कुछ फिट हो गया है। आगे अपना जो फ्रेंड्स अपना जैक वगैरह भी सही से फिट हो गया, इसके पीछे एम्पलीफायर है। तो फ्रेंड ये आउटपुट थी, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। तो डीपी भाई एक बार वैसे अगर जो सबवूफर लगा लेता ना, हाँ जी, फिर रह नहीं पाता ना। बिल्कुल जी। तो आज फिर अपने को काफी दिन से मेरे को भी फील हो रहा था यार, सबवूफर वगैरह तो काम नहीं चलेगा, तो आज आखिरकार फिर आपने लगा ही दिया सबवूफर, है ना। तो अभी दोस्त बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बॉक्स का मैं बता देता हूँ, वैसे 1100 रुपए का बनता है, लेकिन हमने 2 इंच फालतू करवाया ना आगे की तरफ, उसके 200 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए भाई ने, 1300 रुपए का दिया। ₹11,000 यहाँ पे तो 11,000 रुपए का चंडीगढ़ में, तो 11,000 का चंडीगढ़ में। ये कोई और अपनी वीडियो देख के आएगा तो डिस्काउंट करोगे? ये कम से कम डिस्काउंट पे ही, अच्छा, कम से कम रेट बता दिया आपने, कम से कम ये मतलब लगाने वाला रेट है। तो एक आइडिया मिल गया होगा फ्रेंड्स, है ना, कहीं और भी जाते हो तो कम से कम रेट को आपका रेट का आपको पता है। तो बस यही था, आपने एम्प लगाया है, सबवूफर लगाया है, बॉक्स लग गया, और गाड़ी टनाटन है, बड़ी अच्छी सेटिंग हुई है। देखो कोई हमिंग साउंड नहीं है, अभी मैंने म्यूट कर रखा है, और बिल्कुल मैं ट्यूटर के पास मोबाइल लगा हुआ अपना, तो आपको भी कोई आवाज़ आ नहीं रही हुई। तो थैंक यू डीपी भाई, बहुत अच्छा सेट किया आपने। डीपी भाई का नंबर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, यहीं पर शॉप है, शॉप नंबर, अपनी शॉप नंबर 226 है, मोटर मार्केट, मोटर मार्केट 48, सेक्टर 48, शॉप नंबर 226, और नीचे डीपी भाई का नंबर है, तो कॉन्टैक्ट करें। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।